हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडी जोन। अभी मैंने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ाना है, इसके मतलब ब्लड को मैंने बता दिया था, ब्लड क्या होता है, कितने भाग में बांटा गया है ब्लड को, WBC, RBC और प्लेटलेट क्या होता है, किसके चलते कौन सी बीमारी होती है, अगर एड्स हो जाता है तो कौन सा रुधिराणु को लेकर हम लोग जाते हैं जिसके चलते उसे टेस्ट किया जाता है कि हाँ इसे एड्स है, HIV वगैरह है, ये सब चीज को टेस्ट किया जाता है। सब चीज को मैंने पार्ट वन वीडियो में बता दिया है, अगर आप नहीं देखा होगा तो जाके पार्ट वन देखिए पहले, उसके बाद पार्ट टू ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, खून जमने को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलना हाँ ब्लड क्लॉटिंग हो गया मतलब खून जम गया तो ब्लड क्लॉटिंग हो गया। सबसे पहले शरीर के कोई भी हिस्सा कटा, अंदर से जो ब्लड निकला, ब्लड निकल के इसको हम रोकते हैं, तो रोकने के बाद इस पे जो ब्लड पपड़ी बन जाता है, एक पपड़ी बन जाता है, मान लीजिए यहाँ कटे तो एक पपड़ी बन गया, इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का थकना, ब्लड का जमना, इस चीज को कहते हैं। इसमें चार प्रक्रियाएं होती है, इन प्रक्रियाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। और एक और बात नोट करिएगा, लिखिएगा, 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है, 2 से 5 मिनट के अंदर अगर कटा, अभी इतना ज्यादा कट गया तो 2 से 5 मिनट के अंदर थोड़ा ना होगा, छोटा मोटा इधर उधर कटा तो 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कस्कैंडिंग प्रोसेस, जो 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है मतलब रुक जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कस्कैंडिंग प्रोसेस। सबसे पहले इसमें आता है थ्रोम्बोसाइट, जैसे कि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कट गया तो थ्रोम्बोसाइट हो जाता है, वही ब्लड निकला अंदर से तो वायु के संपर्क में आया, किसके संपर्क में आया, वायु मतलब हवा लगा उस ब्लड पे, तो हवा लगने के पहले ये थ्रोम्बोप्लास्टिड बन जाता है, हवा लगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिड बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिड ये कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के, अभी कहेगा हाँ कट गया थ्रोम्बोप्लास्टिड बन गया, अब उसको ब्लड को जमाना है, तो ब्लड को जमाने के लिए किसी का हेल्प तो लेना पड़ेगा, तो ये प्लास्टिड क्या करेगा, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन का हेल्प मांगेगा कि हमारा कट गया है इसको जमाना है, तो प्रोथ्रोम्बिन कर करेगा ठीक हम जमा देते हैं, ये क्या करेगा थ्रोम्बिन बना देगा, और थ्रोम्बिन कर कर यहाँ से उसके बाद इसे अच्छे से जमाना है ना, अभी पूरी तरीका से जमा नहीं है, तो थ्रोम्बिन क्या करता है फाइब्रिन से हेल्प मांगता है, ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिन मिलकर यहाँ पे फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन यहाँ पे थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर फाइब्रिन बन जाता है। जब फाइब्रिन बन गया तो समझो कि ब्लड क्लॉटिंग हो गया, अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया लेकिन ये रुधिराणु के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता है, ब्लड को रोक नहीं सकते हैं। ये क्या किया, ये सारे प्रोसेस मिलकर एक जाली का आकार बना दिया, मतलब एक जाली बना दिया, मान लीजिए ऐसे हम लोग का कटा है, एक जाली के आकार का बना दिया, फिर भी यहाँ से ब्लड निकल रहा है, फिर भी यहाँ से हम लोग का कटा हुआ जहाँ हिस्सा है वहां से ब्लड निकल रहा है, लेकिन इसमें जब रुधिराणु मिला, रुधिराणु में क्या आता है RBC, WBC और प्लेटलेट आता है, ये सब मिलके इसमें आके फंस जाते हैं चारों तरफ से, फंसते हैं तो सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये सब ऐसे रास्ता इसका ब्लॉक हो गया, ये जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो अंदर से कुछ तो बाहर तो नहीं आ सकता है, नहीं आ पाएगा, इसीलिए WBC RBC यहाँ पे आके फंसा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई नाले में हम यहाँ पे 4 रॉड गाड़ दिए तो यहाँ से पूरा पानी तो पास होगा, इधर तो साफ पानी निकलेगा, लेकिन इस साइड कचरा आके फंस जाएगा, यही कचरा क्या है WBC RBC प्लेटलेट मतलब रुधिराणु है, यही आके इसमें फंस जाता है, जिसके चलते इधर का पानी, मान लीजिए नाले इधर का पानी इधर नहीं फॉलो कर पाता है, नहीं बह पाता है, इसलिए यह क्या करता है फाइब्रिन एक जाली बना दिया, रुधिराणु आके इसमें फंस गया, चारों तरफ से फंस गया तो अंदर से ब्लड बाहर नहीं आएगा, यही ब्लड यहाँ पे फंस जाने के बाद ये एक पपड़ी टाइप का बन जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लड का जमना, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का 4 प्रोसेस होता है, इतना प्रोसेस को आप स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट करिए,
इसके बाद हम बताते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, मुख्य क्या है, विटामिन के। सबको पता है कि हाँ ब्लड क्लॉटिंग का मुख्य कारण होता है विटामिन के, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इतना प्रोसेस होता है। अभी हम लोग पीछे देखे चारों टॉपिक को, चारों लाइन को, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण पदार्थ कौन से होते हैं, अनिवार्य पदार्थ जिसके चलते हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं विटामिन के, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के चलते हमारा विटामिन के चलते ही ब्लड क्लॉटिंग होता है। अगर ब्लड विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, उस चार प्रक्रिया से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक घर का मुखिया ही रहता है जो सब चीज को समेट के रखता है, सब चीज को बोलता है तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, लेकिन मुखिया ही नहीं रहेगा तो कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। विटामिन के चलते विटामिन के यहाँ पे क्या करता है कि प्रिंसिपल का काम करता है। स्कूल में अगर पढ़ाना आता है, सारे टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उस सब चीज पे गाइडलाइन करता है कि हाँ तुम ये पढ़ाओ तुम ये पढ़ाओ, तुमको अच्छे से ये करना है, तुम ये करना है ये करना है, सब चीज को अपना ड्यूटी दे देता है, सब चीज अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर उसमें किसी चीज का गलती होता है तो कौन जिम्मेदारी होता है, प्रिंसिपल यानी विटामिन के जिम्मेदार होता है। ये विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण इसमें ब्लड क्लॉटिंग का हिस्सा है जिसके चलते ब्लड क्लॉटिंग होता है। यही बोलता है उस चारों लाइन को, चारों ये जो प्रक्रिया हो रही थी पीछे मैंने बताया, सब चीज को बोलता है कि तुमको ऐसे करना तुमको ऐसे करना, सारे अपने अपने काम करते रहो, ये गाइडलाइन का काम करता है विटामिन के। अब यहाँ पे देख लेते हैं रुधिराणु, रुधिराणु में क्या आता है, थ्रोम्बोसाइट आते हैं। रुधिराणु मतलब वहां पे मैंने बताया था तीन पार्ट में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट बताया था, अलग अलग थे, उसी में भी ये उसी को बोलते हैं रुधिराणु, उसी में थ्रोम्बोसाइट आता है, इसी को इंग्लिश में लिख दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें धातु कौन सा है यानी तत्व कौन सा है, सी मतलब कैल्शियम, कैल्शियम भी इसमें हिस्सा लेता है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है उस चीज को मैंने बता रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटीन कौन सा आता है, थ्रोम्बोनोजेन तथा प्रथोम्बोजेन, ये दोनों हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में ये प्रोटीन सहायता करते हैं। तो ये सब थे हेल्प करने के लिए कि हाँ तुम ये करो, उसका काम है करना, लेकिन ये सब चीज का काम है कि तुमको करना सबसे महत्वपूर्ण यही है, इनके चलते वो लोग काम करता है। तो ये हमारे रक्त के संपर्क में अनिवार्य पदार्थ हो गए, ये एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसके चलते हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। तो इसको स्किन सब करिए, एक और दो पॉइंट बता देते हैं। अब हम देख देते हैं विटामिन के, तो हम लोग जानते हैं विटामिन के कमी से हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। अभी मैंने बताया कि ब्लड क्लॉटिंग होता है विटामिन के ही गाइडलाइन करता है, प्रिंसिपल का काम करता है यानी मुखिया का काम करता है। इसी के चलते विटामिन के जो है ये उन लोगों पे दबाव बना के उन लोगों से काम करवा लेता है, ब्लड को रोक देता है। अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो ये एक हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, इसलिए विटामिन के अगर अच्छे से काम नहीं कर पाता है उसके चलते हेमरेज हो जाता है। अब हेमरेज किसे कहते हैं, नस को फट जाना ही हेमरेज होता है, नस को फट जाना ही हेमरेज होता है। तो हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में, शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो अच्छा बात है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है ना तो वही हेमरेज हो जाता है, हेमरेज होता है नस को फट जाना ही हेमरेज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नस कैसे फटता है, तो देखो मान लो कि ये नस है, नस में ब्लड जम गया, ब्लड जम गया नस में, तो हम लोग जानते हैं कि 120 की रफ्तार से गया और 80 की रफ्तार से आया। तो आप लोग बाइक चलाते होंगे तो जानते होंगे 120 की रफ्तार कितना स्पीड होता है, अगर उतना स्पीड से ब्लड जाएगा तो सामने कोई रुकावट आ जाएगा, सामने कोई ठोकर है वहीं से उछला देगा, नहीं गिर जाएगा, इधर उधर चल जाएगा बाइक। वैसे ही 120 की रफ्तार से गया ब्लड, अभी भी जा रहा होगा अंदर अपना प्रक्रिया कर रहा होगा, तो अगर जा रहा है तो 20 में कोई रुकावट आ गया यानी क्या ब्लड जम गया है, तो उसको धक्का मारेगा वहां से निकलने के लिए, उतना रफ्तार में रुक तो नहीं सकता है 120 की रफ्तार में, तो धक्का मारेगा तो वहां से नस फट जाता है, उसी को बोलते हैं हेमरेज। तो हम लोग सुने होंगे सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज होता है, ऐसे ही हेमरेज नहीं सुने, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज होते हैं। इसलिए ब्रेन हेमरेज इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत पतली पतली नस होती है, किस के तरह एकदम नस पतला पतला नस होता है,
अपसो जो उतना पतला नस है वहां से ब्लड को आना जाना है, उसमें कुछ रुकावट आ जाएगा तो नस फटेगा ना, तो नस फट जाना ही होता है ब्रेन हेमरेज, उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो ये सब प्रक्रिया हुई ब्रेन हेमरेज के, इसलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक बता देते हैं, हेप्टिन। हेप्टिन नाम का हमारे ब्लड में हेप्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसके चलते हमारे शरीर के अंदर ब्लड जमता नहीं है। हम लोग कहते हैं ब्लड बाहर आया, वायु के संपर्क में आया तो ब्लड जम गया, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। क्यों? हेप्टिन नाम का प्रोटीन हमारे ब्लड में रहता है। कौन सा हेप्टिन नाम का प्रोटीन? हमारे हेप्टिन नाम का प्रोटीन हमारे ब्लड में होता है, जिसके चलते हमारे ब्लड में कोई ब्लड जमता नहीं है। अगर ब्लड नहीं जमेगा, ये क्या करता है हेप्टिन नाम का प्रोटीन, ब्लड को जमने नहीं देता है शरीर के अंदर। इसका भी एक नुकसान है, अगर ये क्या होगा, वायु के संपर्क में आएगा तो ये खुद पे खुद मर जाएगा। अगर ये मर जाएगा तो चारों प्रोसेस हुआ था, सोचेगा कि तो मर ही गया, अब हम लोग ब्लड जमाते हैं, उसका काम है ब्लड जमाना, वो जमाने लगेगा तो शरीर में इधर उधर ब्लड जमने लगेगा, जिसके चलते हमें परेशानी, हेमरेज हो जाएगा। तो हेप्टिन नाम का प्रोटीन ब्लड को जमने से रोकता है, यही बाहर निकलता है ब्लड के साथ हेप्टिन नाम का प्रोटीन, तो ये खुद पे खुद मर जाता है। अगर मर जाता है तो इसी के ऊपर आकर ब्लड जमा देता है, वो चारों प्रक्रियाएं ब्लड को जमा देता है। तो ये हेप्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के अंदर। एक एग्जांपल देते हैं, कोई भी डॉक्टर या फिर कंप्यूटर वगैरह सुई देता है, तो देखते होंगे सुई में थोड़ा सा भी ईयर नहीं रहना चाहिए, हवा नहीं रहना चाहिए, पूरा हिला हिला कर पूरा निकालता है, थोड़ा सा दवाई भी फेंक देता है, जिसके चलते उसमें थोड़ा सा भी ईयर नहीं रहता है। अगर शरीर के अंदर ईयर गया, जिसके चलते ये हेप्टिन नाम का प्रोटीन खत्म हो गया, हेप्टिन नाम का प्रोटीन खत्म हो गया तो वहाँ ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते फिर से एक बार इलाज करवाना पड़ेगा। तो कहीं भी जाइए आप लोग, सुई लीजिए तो देखिए कि अच्छे से वहाँ से ईयर निकाल दिया कि नहीं, सिरिंज में से ईयर निकाल दिया, थोड़ा सा दवाई भी निकल गया, तब अपने अंदर डलवाइए, सुई लीजिए, नहीं तो यही सब प्रॉब्लम हो जाता है बड़ा। यही हेप्टिन नाम का प्रोटीन का काम कर रहता है। हेप्टिन नाम का जो प्रोटीन है शरीर से बाहर आता है तो मर जाता है, तो वहां पे एक परत बन जाता है, इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटी, मतलब ये बन जाता है, जम जाता है, इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं खून का थकना जमना किस तरह होता है, ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, उस चीज को मैंने बता दिया, सब चीज मैंने बकवास किया, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसको समझ के नोट डाउन बना के नोट कर के लिख सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिस जो शरीर से ब्लड निकला लेकिन ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रहा है, यहां पे कट गया तो ब्लड निकल ही रहा, बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, लेकिन इसको रोक रहे हैं तब रुकल है, फिर हटाया तो ब्लड निकल ही रहा है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, उस बीमारी को हम कहते हैं हीमोफीलिया। ये एक हीमोफीलिया नामक बीमारी है जिसमें ब्लड कभी क्लोटिंग नहीं होता है, ब्लड नहीं रुकता है, कट गया ब्लड तो खून निकला तो निकलते धड़ाधड़ निकलते जाएगा, ब्लड रुक नहीं पाता, इसी को हीमोफीलिया नामक बीमारी होता है। जिसमें आई थॉट कि आपको ये सब चीज समझ में आया हो गया, आई विश कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट करके बताइए किस टॉपिक में क्या दिक्कत है। अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जो अगला वीडियो रहेगा ब्लड ग्रुप के बारे में, तब ब्लड ग्रुप में नेक्स्ट बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।